सनी देओल और ऐश्वर्या राय कभी भी एक साथ फिल्म में नहीं आए। एक बार प्लान भी बना दोनों का, एक फोटो सेशन भी हुआ उस फिल्म का, लेकिन आज तक वो फिल्म डब्बा बंद ही है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है, मीडिया के खबरों के मुताबिक उस समय जो अखबारों में बातें आई उससे छनकर ये सामने आ रही है कि उस जमाने में ऐश्वर्या राय बड़ी हीरोइन हो गई थी और सनी देओल की एक आध फिल्में नहीं चल पाई थी। तो उस समय जो ट्रेंड चला कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के साथ ही सिर्फ ऐश्वर्या राय काम करना चाहती थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो सनी देओल के साथ काम नहीं करेंगी। इस अपनी एक फिल्म को लेकर सनी देओल ऐश्वर्या राय के पास भी गया थी, संपर्क किया था कि वो फिल्म में उन्हें लेना चाहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने मना कर दिया था। तो उसी के बाद मीडिया में एक खबर आई कि सनी देओल ने ये फैसला कर लिया कि वे कभी भी फ्यूचर में ऐश्वर्या के साथ वो फिल्में नहीं करेंगे। तो जी हाँ, शायद ये खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन आए दिन अब भी इतने सालों बाद भी अखबारों में कभी न्यूज़ चैनल में ये खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि अगर खबरें सामने आ रही हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होगी ही, तो क्योंकि एक ज़माने में सनी देओल बड़े सुपरस्टार रहे हैं। तो उनके फिल्मों में जैसे घायल की बात करें तो घायल में पहले श्रीदेवी आने वाली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि कहानी के अनुसार इसमें हीरो का जो रोल था, सनी देओल का जो कैरेक्टर था, वो मेन लीड कर रहा था। तो श्रीदेवी को लगा कि उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने वो फिल्म नहीं की और उनकी जगह पर मीनाक्षी सेसाद्री को लिया गया। और सभी जानते हैं कि ये फिल्म उस दौर में बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और घायल के लिए सनी देओल को नेशनल फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और हाँ, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।